जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए बुक कराया था। कई स्टूडेंट्स ने तो एग्जाम दे दिए थे, उनके रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम्स 19 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का बुकिंग कराया था और उनका एग्जाम्स नहीं हुआ है। और यहाँ पर अभी तक NIS ओपन बोर्ड की तरफ से ऑन डिमांड को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है सभी ऑन डिमांड स्टूडेंट्स में कि क्या हमको भी प्रमोट किया जाएगा या हमारा एग्जाम होगा, तो उसको लेकर आज का ये वीडियो है। अगर आप हैं ऑन डिमांड स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑन डिमांड एग्जाम्स को अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो ये पूरे वीडियो में मैं ऑन डिमांड स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई और मैं हूं NIS एक्सपर्ट। ये चैनल है VCIC गुरुजी, इसमें हम NIS की छोटी छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक लेकर आते हैं। आप में से कोई भी पहली बार आया हमारे इस वीडियो में तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बनिए हमारे परिवार का हिस्सा ताकि इस तरीके के NIS के सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलते रहे। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ऑन डिमांड स्टूडेंट्स की। ऑन डिमांड स्टूडेंट्स जिन्होंने बुकिंग कराया था लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, अभी तक उनको ये माना जा रहा था कि अगर पब्लिक एग्जाम वाले 10th और 12th वाले प्रमोट होते हैं तो ऑन डिमांड वाले भी प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है। सिनेरियो ये बदल गया है कि जहां एक और CBSE बोर्ड ने क्लास 12th के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है, अब वो एग्जाम्स नहीं होंगे, तो यानी कि NIS ओपन बोर्ड के पास पूरे स्लॉट खाली हो गए हैं अभी। यानी कि दूसरी ओर NIS ओपन बोर्ड भी जून के जो पब्लिक एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर सकता है। तो अगर पब्लिक एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं जून में, और जून और जुलाई मंथ को अगर हम छोड़ भी दें कि जून और जुलाई में जो है आपके एग्जाम पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगस्त के महीने से हो सकता है कोरोना का जो सिचुएशन है वो डाउन हो जाए, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और दोबारा से लॉकडाउन प्रक्रिया खत्म हो जाए सभी राज्यों में, तो फिर NIS पिछले साल की बात थी, इस साल भी जो ऑन डिमांड स्टूडेंट्स बचे हैं उनके एग्जाम्स अगस्त के महीने में और सितंबर के मंथ में रीजनल सेंटर्स पे जारी कर सकता है। जी हाँ, पिछली बार भी कोविड को डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और सारी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम्स को कराया गया था ऑन डिमांड और सारे जो है रीजनल सेंटर्स में एग्जाम हुए थे। तो ऑन डिमांड एग्जाम्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयार रहिए, हो सकता है आपके एग्जाम जो है अगस्त और सितंबर के मंथ में हो, या फिर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक या दो सब्जेक्ट के लिए, तो वो स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा वेट करिए, कोई ना कोई यहाँ पर दोबारा से बुकिंग ओपन होगा और वो बुकिंग जो होगा हो सकता है अगस्त और सितंबर के मंथ के लिए हो, जिसमें आप बुक करा के अपने जो भी पेंडिंग एग्जाम बचे हैं उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। और या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट जो इस बार क्लास 12th को पास कर चुके हैं CBSE बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से, लेकिन वो अपनी क्वालिफिकेशन में कुछ अदर सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या फिर वो किसी दूसरे स्ट्रीम में थे और किसी दूसरे स्ट्रीम से पास करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ आपको भी एडमिशन मिलता है, लेकिन जो आपका एडमिशन होता है वो पार्ट एडमिशन कहलाया जाता है, और उस पार्ट एडमिशन में NIS ओपन बोर्ड आपको सिर्फ मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट अप्लाई करने की अनुमति देता है। 4 सब्जेक्ट अप्लाई करने की अनुमति इसलिए दी जाती है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी दूसरे बोर्ड से पास हो चुके हो, आपने इस वाले बोर्ड को ऑलरेडी पास किया हुआ है, तो 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम होते हैं। आप चाहे तो 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इवन 1 भी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी मेरी यहाँ क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और इसी तरीके के वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।